हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों का आंसर की जो 4 से लेके आपका ये 13 नवंबर तक एग्ज़ाम हुआ है, ये देखिए 13 नवंबर तक यहाँ पे इन्होंने आंसर की 26 नेट के सब्जेक्ट का 4 से लेके 13 नवंबर के बीच कंडक्ट हुआ था जो एग्ज़ाम। पहले वालों का जारी कर दिया गया था 24 से लेके जिनका जारी हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे 26 सब्जेक्ट का सेकंड शिफ्ट में जारी किया गया था जो कंडक्टेड बिटवीन 4 नवंबर टू 13 नवंबर है। और उसको आप कहाँ से देख पाएंगे, UGCNET.NTA.NIC.IN, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, मिलान कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या या प्रश्न आप लोगों के यही देखने को मिल रहे हैं कि सर इसमें मिलाया कैसे जाए आंसर की को, क्योंकि काफ़ी लोग जो पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब से मैं बता दूंगा कि ऐसे करना है, ऐसे मिलाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ईमानदारी से जो आपका स्कोर होगा क्वेश्चन के रूप में बताइएगा या उसका जो भी मार्क्स है उस रूप में कमेंट में बताइएगा। इससे पता चलेगा कितनी कट ऑफ की उम्मीद है या कितना जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी के जो लोग स्टूडेंट हैं तो उसमें जो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पेपर का स्तर काफ़ी हाई लेवल का था, तो उम्मीद है कि उस हिसाब से मेरिट कम होनी चाहिए। अब आप लोग कमेंट करिएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि कितनी मेरिट की संभावना है। और आप लोगों को क्या करना है कि जो ऑब्जेक्शन करना है ये आंसर की आपका 16 से लेकर 18 नवंबर तक ही अवेलेबल रहेगा, उसके बाद आपको ना आंसर की देखने को मिलेगी और ना ही आप कोई क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम भी कैसे करना, उसकी फ़ीस आपका 1000 रुपये है, ठीक। 1000 रुपये आपका वहाँ पे करना पड़ेगा और आपका डायरेक्ट आंसर की से भी चैलेंज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, गूगल खोल लीजिए। गूगल करके खोल के आप NTA NET लिख लीजिए, ठीक। NTA NET करेंगे तो आपका डायरेक्ट ये ऊपर आ जाएगा, पहला वाला ही, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा ये दिखाई देगा इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे आपका नीचे और आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है विव क्वेश्चन पेपर आंसर की चैलेंज, ठीक। ये आपका 4, 5, 11, 12, 13 ये एडमिट कार्ड भी दिया है। जैसे एडमिट कार्ड आप लोगों का सेंटर पे जमा हो गया तो यदि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है या रोल नंबर पूछ रहा है तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फिर से आप उसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आंसर की आपको कैसे डाउनलोड करनी है। यहाँ पे हमने आंसर की पे क्लिक किया। अब देखिए जो सेशन लास्ट दे रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर खोल के रखा है और टैब, ठीक, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, तो इसलिए ये आपका यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर शेयर किया तो उनका चूँकि निकल नहीं रहा था, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जब NTA की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे जो हमने आपको दिखाया कि चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा रहेगा UGC NET जो आपका जून 2020, उसके बाद नीचे एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा, ठीक। एप्लीकेशन नंबर भरिए, एप्लीकेशन नंबर के बाद उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। और उसके नीचे आप आएंगे तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन डालना होगा, जो नीचे आपका कैप्चा दिया रहेगा वही ऊपर भरना होता है, उसको भर के आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको खुलेगा, ठीक। इस तरह से ये खुलेगा और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ दे देगा और एप्लीकेशन नंबर के बाद इसके नीचे यहाँ पे देखिए एक तो आपका कंफर्मेशन पेज यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका ये है कि ज्योग्राफी का मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन पेपर, और नीचे दिया है क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, ठीक। तो यहाँ से आप एक तो ये कि पेपर डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आंसर की चैलेंज के लिए, तो हमने वो भी करके रखा है पहले से ही, तो आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक। ये
आपका पेपर हो गया। तो ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने शेयर किया, तो उनका ये हमने निकाल के आपको सो आप दिखा रहे हैं। और इधर आपका देखिए क्वेश्चन टाइप का और क्वेश्चन आईडी जो आपको आंसर की मिलाना है वो आपको यहीं से देख के मिलाना है। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर वन है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पार्ट वन दिया है ये आपका फर्स्ट पेपर है, 50 क्वेश्चन के बाद आगे आप जाएंगे तो आपका ज्योग्राफी वाला पेपर हो जाएगा। वो भी दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ से, ये देखिए आपका 20, 21, 13, 14, ठीक है, पार्ट टू चालू हो गया। तो ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। पार्ट वन में अब यहाँ पे आपको जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यहीं ध्यान देखना है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक, जो आपने ऑप्शन चूज किया कौन सा है, टू नंबर का। अब जो आंसर की मिलान करना उस पर यही देखना है। पहले तो आपको क्वेश्चन आईडी देखना है, क्वेश्चन आईडी के बाद जो आपने आंसर लगाया है उसमें करेक्ट आंसर भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। करेक्ट आंसर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे मैं आया, ये इस पर क्लिक किया आंसर की पे, तो आंसर की ये खुल गई, ठीक। आंसर की खुलने के बाद तो यहाँ पे आपको केवल ध्यान यही रख के चलना है, यही क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी, ठीक, जो आपने ये आपने टिक किया है। अब आंसर की से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर की से दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ये ज्योग्राफी का हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन, यही आपका क्या है, आंसर की है, और ये आपका प्रश्न की आईडी है। और जो आपको क्लेम करना है, मान लीजिए आपका ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपको लगता है कि गलत आंसर दिया है, तो आप इस पर टिक करेंगे किसी एक पे, जो ऑप्शन आपको लगे कि ये सही है तो उस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद उसका साक्ष्य के तौर पर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आप जाएँगे तो वहाँ पर आपको सब चीज़ें लिखी रहेंगी। यहाँ पे देखिए जैसे आप 150 प्रश्न पे जाएंगे तो यहाँ पे दिया है कि सेव योर क्लेम, तो ये जो आपने यहाँ पे मान लीजिए टिक किया, यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे टिक किया, तो जो भी आप क्लेम करेंगे उसको सेव कर दीजिए यहाँ से। और जो भी आप साक्ष्य देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे पाएंगे। और क्वेश्चन आईडी हमने बताया कि कैसे मिलान करना है, आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन आईडी कौन सी है और आंसर आईडी, इसमें ये जो करेक्ट आंसर है ये वाला है, ये वाला करेक्ट आंसर, इसको आपको वहाँ पे मैच कराना है। चलिए एक दो को मैच करा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपको याद रखना है वो यही चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी, मान लीजिए हमने देख लिया। अब इसी को वहाँ पे मैच कराना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्या है, क्वेश्चन हो गया, और ये आपका क्वेश्चन आईडी है, ये आंसर आईडी है जो आयोग ने दिया है, और ये आपका ऑप्शन दिया है। अब हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन का क्या था, 53, 62, 28, 45 और 67 था, 67। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन आईडी, ठीक। और इसमें जो करेक्ट आंसर क्या दिया है कि 53, 62, 28, 17, 794, और उसमें भी कौन सा ऑप्शन लगा था आपका जो आपको दिखाया मैंने, तो वो भी आपका सेकंड जो चूज किया गया था सेकंड नंबर का वो यही था, सेकंड जो क्वेश्चन आईडी है वो यही था, तो यानी उसमें ये वाली चीज़ें थी, तो ये उनका आंसर करेक्ट है, ठीक। इसी तरह से आपको मिलाना है सबका, जैसे ये आ गया, ठीक। अब इसमें देखिए कि आपने जो क्वेश्चन पे यहाँ पे लगाया है वो कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, चूज ऑप्शन हमने बताया था आपको, तो चूज ऑप्शन में जो आईडी है वो क्या है, 17,794 है, क्वेश्चन आईडी क्या है, 4567 है, लास्ट वाला चार डिजिट याद रखिए, तो टोटल आपका ये या लिख लीजिए तो आप वहाँ से कर जाएंगे। तो ये एक आंसर आईडी यहाँ पे इन्होंने चूज किया है, और हमने आपको ये भी दिखा दिया कि जो आपका आंसर की में कितना दिया है वो भी आपका बी वाला ही दिया है, यही आईडी उसमें दे रखा है करेक्ट आंसर में। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर 4567 था, 17,94 है, 17,794, ठीक, तो उसमें भी उन्होंने सेकेंड चूज किया था, इसलिए ये आंसर उनका सही हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, टोटल मिला के करना है।
और जितना आपका आए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले आप इस आंसर की को जो वहाँ से आप चैलेंज आंसर की डाउनलोड करेंगे उसको क्या करिए कि चूंकि जो आपका पेपर है वो सेव हो जा रहा है लेकिन आंसर की आपका ये नहीं सेव होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे आंसर की का, या आप क्या करिए कि एक तरफ क्वेश्चन आईडी और एक तरफ जो आपका राइट आंसर है वो लिख डालिए। लिखने के बाद फिर आप मैच करा लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर से, जो आपका क्वेश्चन आईडी है उस पर देख के और जो इसमें करेक्ट आंसर की आईडी कौन सी है तो उसको देख लीजिए और मिला डालिए, तो इससे आपका आसानी से टोटल आप उसको मिला के और जितना भी आपका स्कोर आ रहा है कमेंट करिएगा। जिस भी प्रश्न में आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये गलत आंसर दिया या पिछली बार कुछ प्रश्न ऐसे एक दो हैं जो पिछली बार में दिया गया था और उसका आंसर इस बार दूसरा दे रहा, पिछली बार दूसरा दे रहा था, कई लोगों का क्लेम आया है, तो आप उसको देख लीजिए और जैसा भी हो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।